अगला फिर ग्रुप फोर में आने वाली वैल्यूज़, तो चार हैं पीडीएफ, चार नहीं है पांच हैं पीडीएफ, पी से रिलेटेड तीन वैल्यूज़, पेशेंस, परसिस्टेंस, परसिवियरेंस, डिटर्मिनेशन, फोर्टिट्यूड। तो इन सारी वैल्यूज़ में कॉमन चीज़ क्या है कि अगर हाई लेवल ऑफ सक्सेस चाहिए तो हमें कई प्रॉब्लम्स लाइफ में पार करनी पड़ेंगी, और उन प्रॉब्लम्स को पार करने में क्या है, यही चीज़ें मदद करेंगी, पेशेंस, परसिस्टेंस, परसिवियरेंस, डिटर्मिनेशन एंड फोर्टिट्यूड। ठीक है, अब देखो इसका एडवांटेज क्या है। मैं किसी पर्सन को अगर आप जानते हो जो कि लाइफ में सफ़र कर रहा है, तो आप उन्हें इन वैल्यूज़ के माध्यम से चीज़ें सिखा सकते हो, बता सकते हो। इसलिए पढ़ते रहना ज़रूरी है, बिकॉज दीज आइडियाज़ आर गुड आइडियाज़ एंड इट शुड स्टे इन योर माइंड एंड इट विल हेल्प यू इन डिफरेंट वेज़। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि आप गोल को फिक्स करो, पेशेंस का मतलब है टाइम फैक्टर, फॉर्टिट्यूड मतलब डिफिकल्टी फैक्टर, परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूटी टाइम, परसिवियरेंस सम ऑफ ऑल फोर वैल्यूज़। तो इस ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है परसिवियरेंस, जिसमें ये चारों वैल्यूज़ आएंगी। तो देखते हैं डिटर्मिनेशन क्या होता है कि गोल फिक्स करने की एबिलिटी, एबिलिटी टू फिक्स अ गोल और उस पर फोकस मेंटेन किया जाए। आप एक गोल मेंटेन करो, आपके पास बहुत ढेर सारे ऑप्शन होंगे कि मैं ये भी करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ, वो भी, लेकिन जैसे डायरेक्टर सर ने बोला कि एक दिन में एक लेटर निकालना है, आप बस इस पर फोकस करो, तो वही है, मेक वन गोल पर डे। ठीक है, कि आज मुझे ये वाला काम करना है, मेन गोल, वो हो जाए तो फिर दूसरे गोल की ओर जाओ, अदरवाइज़ मेन गोल एक ही रखो। तो एबिलिटी कि आप एक गोल फिक्स कर सकते हो और उस पर फोकस मेंटेन कर सकते हो। देन है पेशेंस, पेशेंस यानी टाइम फैक्टर, कि आपके पास ये एबिलिटी है कि नहीं कि आप लंबे समय तक वेट कर सकते हो सक्सेसफुल होने के पहले। फॉर्टिट्यूड यानी डिफ़िकल्टी फैक्टर, एबिलिटी टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन विथआउट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ डिटर्मिनेशन, दैट इज़ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना, एग्जाम्पल गांधी जी, ये फॉर्टिट्यूड वाली बात हो जाएगी। फिर है परसिस्टेंस, परसिस्टेंस यानी अगेन ये टाइम वाला फैक्टर है, लेकिन ये कंटिन्यूटी की बात है, टू कंटिन्यू टेकिंग स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल, उसे बोलते हैं परसिस्टेंस। एग्जाम्पल दशरथ मान जी, वो कंटिन्यूसली करते रहे और उन्होंने माउंटेन तोड़ दिया। तो पेशेंस में क्या आप में वेट करने की एबिलिटी है बिफोर सक्सेस, परसिस्टेंस में क्या है कि क्या आप स्मॉल स्टेप्स कंटिन्यूसली ले सकते हैं टू अचीव योर गोल। और फिर परसिवियरेंस, परसिवियरेंस क्या है, ऊपर की चारों वैल्यूज़ का सम, दैट इज़ डिटर्मिनेशन प्लस पेशेंस प्लस परसिस्टेंस प्लस फॉर्टिट्यूड। तो डेफिनेशन, बेनिफिट और कैसे परसिवियरेंस डेवलप की जाए, तो डेफिनेशन क्या है, एबिलिटी टू परसीव लॉन्ग टर्म एंड डिफिकल्ट गोल्स विद सस्टेन्ड वैल्यूज़। ठीक है, विद सस्टेन्ड पीडीएफ वैल्यूज मैंशनड अबव, कि आप लॉन्ग टर्म में, मानो आपने कोई गोल डिसाइड किया है, मतलब आपको क्या करना है, यही है, इन चारों को जोड़ दो, परसिवियरेंस बन जाएगा। कि आपने कोई एक गोल डिसाइड किया है, अब ऑब्वियसली वो आसानी से तो मिल नहीं जाएगा, कि आज करोगे मेहनत आज ही हो जाएगा। लेट्स अज्यूम यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है या बेस्ट एम्प्लॉय बनना है अपने ऑफिस में, तो ये काम आज तो हो ही नहीं जाएगा। अगर आप बेस्ट एम्प्लॉय अपने ऑफिस का बनना चाहते हो, वो एक लॉन्ग टर्म गोल है और उसके लिए कई चीज़ें, कई गोल्स हैं जो आपको अचीव करने पड़ेंगे। तो आप एक लंबे टाइम, पहले तो आप अपना गोल फिक्स करो कि हाँ, मुझे एडमिन टेक्निकल इनसाइड में मास्टरी हासिल करनी है, स्टैंडर्ड रिप्लाइज रखने हैं। फिर आप वेट करो कि हाँ, आएगी सक्सेस एक दिन। फिर बीच बीच में डिफ़िकल्टी आएंगी, चीज़ें समझ नहीं आएंगी, कई बार काम मिल जाएगा। ठीक है, फिर परसिस्टेंस, लेकिन कितनी भी डिफ़िकल्टी आ रही है, कितनी भी सिचुएशन आ रही है, आपको पता है कि पढ़ने के लिए, मतलब अच्छा बनने के लिए मेरे पास टेक्निकल और एडमिन नॉलेज होनी चाहिए, तो आप उनसे रिलेटेड बुक्स को पढ़ रहे हो, हर दिन कुछ कुछ, एक एक चैप्टर, दो चैप्टर हर दिन पढ़ रहे हो। परसिस्टेंस वही है कि हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो। तो क्या होगा, जब ये चारों चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी, कि आपने गोल फिक्स किया कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिवली टेक्निकली स्मार्ट बनना है, ठीक है, उसके लिए मुझे उनसे रिलेटेड मैनुअल्स को पढ़ना है, नोट शीट वगैरह पढ़नी है। फिर आपने पेशेंस रखा कि नहीं, दो साल तीन साल बाद ऐसा हो जाएगा कि आई विल रीच टू दैट लेवल। बीच में डिफ़िकल्टी आएंगी तो आप उनसे क्या परेशान नहीं हो रहे हो, फॉर एग्जांपल बीच में ट्रांसफ़र की कुछ बात चलेगी, किसी ऐसे सेक्शन का चार्ज मिल जाएगा विच इज़ अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, कोई चला जाएगा तो दूसरे बंदे का एडिशनल चार्ज मिल जाएगा। तो क्या इस सिचुएशन में भी आप कंटिन्यूसली हर दिन कुछ ना कुछ अपने मैनुअल्स वगैरह को पढ़ सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पास तो आप में परसिवियरेंस है। तो डेफिनेशन, एबिलिटी टू परसू लॉन्ग टर्म एंड डिफिकल्ट गोल्स विद सस्टेन्ड डिटर्मिनेशन, पेशेंस, फॉर्टिट्यूड एंड परसिस्टेंस। बेनिफिट क्या है परसिवियरेंस के, तीन चीज़ें, एक तो आपको सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी जो इंसान हर दिन कुछ ना कुछ कर रहा है, दूसरा मैच्योरिटी आ जाती है इससे, तीसरा स्टेबल और बेटर रिलेशनशिप्स हो जाते हैं। अब परसिवियरेंस डेवलप कैसे किया जाए, तो
तो परसिवरेंस डेवलप करने के लिए मतलब वो चार वैल्यूज़ डेवलप करनी होगी। तो सबसे पहले पेशेंस डेवलप करना है, तो अबिलिटी टू वेट फॉर सक्सेस, फिर डिटर्मिनेशन कि गोल सेटिंग आती है कि नहीं आपको, कि आप गोल्स को पहले लिखो कि शॉर्ट टर्म गोल मेरा क्या है, मिड टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ठीक है, इसमें कौन सी चीज़ है शॉर्ट टर्म गोल में जो मेरी टॉप प्रायोरिटी की है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही नेसेसरी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन शॉर्ट टर्म गोल में मैं किसी और को डेलीगेट कर सकता हूँ। फॉर्टिट्यूड, पुट योर सेल्फ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है, फॉर्टिट्यूड डेवलप करना है तो आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करिए कि हाँ नहीं आता है लेकिन मैं इस काम को लूँगा और किसी ना किसी तरह सॉल्व करूँगा। जब आप ऐसे करोगे कि हाँ नहीं पता कि आप आर के ब्लैंक फॉर्म कैसे जनरेट करने हैं लेकिन ठीक है सर करूँगा, मैं पूछूँगा तीन चार जगह से और किसी तरह से इसको करूँगा, तो जब आप अपने आप को बार बार डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रखोगे तो आप में ये एबिलिटी आ जाएगी, जो कि मीना जी कर रहे हैं अभी। फिर क्या है DGC, आप डायरी राइटिंग करो, अच्छे लोगों की कंपनी में रहो, लिमिटेड कॉम्पिटिशन, जब आप ऐसा करोगे तो भी आपके अंदर परसिवियरेंस डेवलप कर जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रुप 5 में जो वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ CDS, कमिटमेंट, डेडिकेशन, स्पिरिट ऑफ सर्विस, तीन चीज़ें। अब इन तीनों वैल्यूज़ में कॉमन चीज़ क्या है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलीजेंस और ट्रस्ट, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना है, डेडिकेशन, कमिटमेंट और स्पिरिट ऑफ सर्विस से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू है कमिटमेंट, बचे हुए दोनों का इसके साथ डिफरेंस देख लेंगे। तो कमिटमेंट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कमिटमेंट, डेफिनेशन क्या है, कमिटमेंट इज़ अ सेंस ऑफ अलीजेंस टुवर्ड्स अ पर्सन या फिर और रिलेशन, आइडियोलॉजी, पर्पस, सोशल ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, नेशन, विद अ प्रॉमिस टू बी फेथफुल टुवर्ड्स सब्जेक्ट ऑफ कमिटमेंट। तो कमिटमेंट में कुछ ये नहीं होता है कि लेट्स अज्यूम एक पर्सन का एग्जांपल लेते हैं, कोई पर्सन है या आपका ऑफिस है, आपने उसके प्रति अपना एलिजेंस शो कर दिया है ये प्रॉमिस देते हुए कि मैं फेथफुल रहूँगा अपने उस पर्सन के करस्पॉन्डिंग, या फिर उस पर्सन को लेके फेथफुल रहूँगा या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ठीक है। तो कमिटमेंट मतलब लेट्स अज्यूम मेरा ऑफिस है या कोई पर्सन है मेरी लाइफ में, मैं उसको लेके कमिटेड हूँ, मतलब एक सेंस ऑफ एलिजेंस है उस पर्सन के साथ, इस वादे के साथ कि मैं उस पर्सन या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके फेथफुल रहूँगा, ठीक है। अब उसमें कहीं भी कर सकते हो आप, दूसरे रिलेटिव्स, किसी आइडियोलॉजी को लेके कमिटेड हो सकते हो, किसी पर्पस को, किसी सोशल ग्रुप को लेके कमिटेड हो सकते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी नेशन, तो कई चीज़ें। अब पर्सनल कमिटमेंट, प्रोफेशनल कमिटमेंट, सोशल कमिटमेंट। कमिटमेंट अगर किसी पर्सन के लिए है, बीट योर पेरेंट, योर फ्रेंड, योर स्पाउस, तो उसे पर्सनल कमिटमेंट बोलेंगे। जब कमिटमेंट प्रोफेशनल वैल्यूज़ के लिए हो, एग्जाम्पल डॉक्टर इज़ कमिटेड फॉर पेशेंट, या फिर मेडिकल एथिक्स के लेके डॉक्टर कमिटेड है, तो प्रोफेशनल कमिटमेंट होगा। और जब डॉक्टर कमिटेड है सोसाइटी या नेबर्स को लेके, तो वो सोशल कमिटमेंट होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सिविल सर्वेंट को कमिटेड होना चाहिए, डिबेट, नॉन पार्टिसनशिप वर्सेस कमिटेड, न्यूट्रलिटी वर्सेस कमिटमेंट। तो आंसर है कि सिविल सर्वेंट्स यानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब देखो इसमें ये है कि होना चाहिए या नहीं, तो कुछ चीज़ों को लेके होना चाहिए, कुछ चीज़ों को लेके नहीं होना चाहिए, ऐसे आंसर दिया जाता है। दिमागदार वो आदमी वो ऐसा नहीं बोलेगा यस और नो। तो सिविल सर्वेंट शुड बी कमिटेड टुवर्ड्स 3 things, CLC, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, इनको लेके कमिटेड होना चाहिए। लेकिन सिविल सर्वेंट को कमिटेड नहीं होना चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके या किसी इंडिविजुअल को लेके। तो जब आप ऑफिस में हो तो आप किसी पर्सन का मत सोचो कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट, सर्वेयर, ऑफिसर, सर्वेयर, ये क्या सोचेंगे। तो किसी पर्सन को लेके कमिटमेंट नहीं है, आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, ठीक है, सर्विस से रिलेटेड अगर कुछ लॉ है तो उससे उसके प्रति होना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, मैं कमिटेड हूँ इस बुक को लेके, ठीक है। तो बुक्स के प्रति, मैनुअल्स के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए आपका। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, डेडिकेशन क्या होता है और पब्लिक सर्विस क्या होती है। डेडिकेशन मतलब कमिटमेंट ऑफ हाई इंटेंसिटी, दैट इज पर्सन मेक्स एक्टिव एफर्ट्स टू अचीव द गोल्स टुवर्ड्स विच ही इज़ कमिटेड, उसको डेडिकेशन बोलते हैं कि आपने जो गोल बनाए हैं आप उसको अचीव करने के लिए एक्टिव एफर्ट्स लगा रहे हो। पब्लिक सर्विस क्या है, सेंस ऑफ सर्विंग द पब्लिक, कि आपके अंदर ये सेंस है कि हाँ मुझे पब्लिक को सर्व करना है। इसमें मेन फोकस होता है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे, ठीक है, सेंस ऑफ गिविंग 24/7 सर्विस विथआउट हॉलीडे। स्पिरिट ऑफ सर्विस क्या होती है, स्पिरिट का मतलब हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन या फिर इंस्पिरेशन। सर्विस मतलब सेंस ऑफ सर्विंग पीपल, मेनली वीकर सेक्शन। एग्जाम्पल, DM वेंट इन वाटर फॉर फ्लडेड डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आया तो DM खुद घुस गए पानी में कि इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, बिकॉज ही हैड सेंस ऑफ सर्विस।
फिर बेनिफिट क्या है इन वैल्यूज़ का? कमिटमेंट, डेडिकेशन या स्पिरिट ऑफ सर्विस होंगी। तो अगेन किसको बेनिफिट? इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे सिस्टम को क्या बेनिफिट है इसका? तो इंडिविजुअल लेवल पे चार चीज़ें S3R, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, आप सेटिस्फाइड रहोगे अगर आप कमिटेड रहो किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ के लिए हार्डवर्क कर रहे हो। सोशल रिस्पेक्ट आपको मिलेगी और क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी। सोसाइटी को क्या बेनिफिट है इसका? पांच चीज़ें हैं, आपको एक दो याद रख लो, PCRWG। सोसाइटी में अगर हर एक इंडिविजुअल के अंदर कमिटमेंट और डेडिकेशन है, स्पिरिट ऑफ सर्विस है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, करप्शन घट जाएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा सिस्टम, वर्क कल्चर इंप्रूव होगा, अच्छा गवर्नेंस होगा। अब कमिटमेंट, डेडिकेशन और स्पिरिट ऑफ सर्विस को कैसे डेवलप किया जाए बच्चों में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, एक तो ये है कि डिफ़ाइन करो और दूसरा समझो कि इसे डेवलप कैसे करना है बच्चों में, एडल्ट में, गवर्नमेंट में। तो बच्चों में डेवलप करने के लिए आपको फैमिली और स्कूल लेवल पर बच्चों को पहले से सोशलाइज करें बचपन से ही कि कमिटेड होना है टास्क के प्रति, डेडिकेटेड रहना है। एडल्ट्स में, एडल्ट अगर वीकर सेक्शन से बात करें, फिल्म में केस स्टडीज़, नॉवेल्स रिलेटेड टू वीकर सेक्शन दिखाई जाए, रोल मॉडल्स के बारे में पढ़ा जाए, जैसे श्रीधरन, नितिन गडकरी, इनके ऊपर मूवी बने कि इन लोगों ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया, तो ऑल दीज थिंग्स विल इंस्पायर। गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है? तीन चीज़, TAR, एक तो ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, उसमें रोल मॉडल्स के साथ उनकी बातचीत कराई जाए जिसको देख के वो इंस्पायर हो। फॉर एग्जांपल, मुझे अभी भी याद है कि जब मैं HIPAA में ट्रेनिंग कर रहा था अपनी एडमिन ट्रेनिंग, तो वहाँ पे उन्होंने उस IAS ऑफिसर को बुलाया था जिसने कि आधार सिस्टम इम्प्लीमेंट कराया था, और जब वो हमारे सामने बात कर रहे थे, प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो हम सब इंस्पायर्ड फील कर रहे थे। फिर एनुअल अवार्ड्स दे सकते हैं आप गुड सिविल सर्वेंट्स को, प्लस दे शुड बी मेड नेशनल हीरो, कि जो सिविल सर्वेंट अच्छा काम कर रहा है उसे इतनी पब्लिसिटी मिलनी चाहिए कि नेशनल हीरो का दर्जा दे देना चाहिए। वो यही है, किसी ने अच्छा काम किया तो उसे इतना चढ़ा दिया है आपने कि अब उसे नीचे आने में डर लगेगा। तो सिविल सर्वेंट्स को नेशनल हीरो की तरह ट्रीट करो इंस्टेड ऑफ बॉलीवुड। तीसरी चीज़ क्या है? रिकॉग्निशन गिवन टू हार्ड वर्किंग सिविल सर्वेंट। एक्टर्स गेट रिकॉग्निशन विदाउट सॉल्विंग क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। एक्टर्स ठीक है, उनकी जॉब है कि लोगों को एंटरटेन करना है, वो भी समझना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बुद्धा सेड लाइफ इज सफरिंग। उस सफरिंग को थोड़ी देर भुलाने में अगर कोई मदद करता है तो आपके लिए भगवान बन जाएगा, इसीलिए एक्टर्स की इतनी वैल्यू है। लेकिन देखा जाए तो एक्टर्स क्या कर रहे हैं? एंटरटेन ही कर रहे हैं ना, जो कि छोटा काम नहीं है। मुझे लगता है एक कॉमिक जब आता है और आपको हंसाता है तो बहुत बड़ी चीज़ कर रहा है ना, वो दुख से बाहर ला रहा है आपको। बट एट द सेम टाइम सिविल सर्वेंट्स भी नेशन बिल्डिंग में काम कर ही रहे हैं, तो उन्हें भी नेशनल हीरो बनाना चाहिए हमको। अब आ जाते हैं ग्रुप 6 की वैल्यूज़ पे, जिसमें चार वैल्यूज़ हैं, TAR, ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो अब ट्रस्टवर्दीनेस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है शायद, इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन सारी की सारी वैल्यूज़ में कॉमन चीज़ क्या है? वर्च्यू ऑफ डूइंग थिंग्स विद अ सेंस ऑफ कमिटमेंट एंड ओनरशिप। ठीक है, अब ट्रस्टवर्दीनेस देखते हैं। तो इसमें डेफिनेशन, ट्रस्टवर्दीनेस इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इंटेंशन, इसके एडवांटेज और ट्रस्टवर्दीनेस डेवलप कैसे की जाए। तो ट्रस्टवर्दीनेस मतलब डेफिनेशन क्या है कि इसको काम दिया तो हो जाएगा। इट इज़ अ वर्च्यू दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टेकन केयर ऑफ परफेक्टली। मतलब पर्सन कैन बी बिलीव्ड विदाउट डाउट कि इसको काम देंगे तो हो ही जाएगा, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ तो मैं अपने ऑफिस में अगर शैलेश जी हैं उनको काम दिया तो विश्वास है कि वो कर देंगे, उमाकांत जी हैं उनको काम दिया तो वो कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से डायरेक्टर सर को काफ़ी विश्वास है नीलेश जी पे कि इसको देंगे काम हो जाएगा, या मीना जी को कि इनको काम देंगे तो ये कर देंगे, इनमें कुछ नहीं है। तो इस तरह का विश्वास जब डेवलप हो जाए कि ये इंसान कर देगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अमित शाह, ये विश्वास हो गया है ना कंट्री को कि अगर जम्मू एंड कश्मीर को इंटीग्रेट कर दिया भाई, आर्टिकल 370 हटाना बहुत बड़ी चीज़ थी, तो कि ये किसी ना किसी तरह करके कर ही देंगे। अब ट्रस्टवर्दीनेस इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्क और इंटेंशन। तो अब अगली चीज़ क्या आ जाएगा कि ट्रस्टवर्दीनेस इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्क, कि पर्सन शुड हैव रिक्वायर्ड स्किल, नॉलेज एंड कैपेबिलिटी। ट्रस्टवर्दीनेस इन टर्म्स ऑफ इंटेंशन, कि ही वोंट बिट्रे मी, एब्सोल्यूट ट्रस्टवर्दीनेस, दैट इज़ एफिशिएंसी प्लस इंटेंशन। एग्जाम्पल अमित शाह फॉर मोदी। कि ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? ट्रस्ट दो चीज़ों से डेवलप होता है, एक उस बंदे में काम करने की एबिलिटी है कि नहीं और उसकी इंटेंशन ठीक है कि नहीं, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ वर्क की मतलब पर्सन के पास वो स्किल है, वो नॉलेज है, वो कैपेबिलिटी है कि वो ये काम कर देगा, तो ये एफिशिएंसी हुई। इंटेंशन कि वो पर्सन मुझे धोखा नहीं देगा, तो एब्सोल्यूट ट्रस्टवर्दीनेस के लिए क्या चाहिए? कि वो बंदा कर भी सकता है और वो बंदा मुझे धोखा भी नहीं देगा, तो दैट इज़ एब्सोल्यूट ट्रस्टवर्दीनेस।
ट्रस्टवर्दीनेस के एडवांटेज क्या हैं, वही इंडिविजुअल के लेवल पे, सिस्टम के लेवल पे। इंडिविजुअल को ये बेनिफिट होगा कि उसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है, क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाएंगी। सिस्टम के लिए ये हो जाएगा कि तीन चीज़ें, डेलीगेशन ऑफ पावर आसान हो जाएगा, ऑफिस का वर्क कल्चर अच्छा रहेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप डेलीगेट कर रहे हो तो सब लोग अपने लेवल पर डिसीजन लेके चीज़ों को फास्ट फास्ट कर सकते हैं ना। अब ट्रस्टवर्दीनेस डेवलप कैसे की जाए, तो इम्प्रूव करो एफिशिएंसी ऑफ वर्क बाय एक्वायरिंग रिक्वायर्ड स्किल, नॉलेज एंड कैपेबिलिटी, और इंटेंशन के लिए सोशलाइजेशन करो प्लस प्रैक्टिस करो कि आप लोगों के सीक्रेट्स अपने पास रख सको। तो ये तरीका है। तो जैसे आपको अपनी ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ानी है अपने बॉस के लिए, तो आप क्या करोगे, स्किल, नॉलेज और कैपेबिलिटी को अक्वायर करो। किस में स्किल, एडमिनिस्ट्रेटिव में और टेक्निकल एरिया में। तो एडमिन के लिए एडमिन से रिलेटेड मैनुअल, और टेक्निकल के लिए टेक्निकल से रिलेटेड मैनुअल, इनका यूज़ करके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हो गया। और फिर ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का है कि इनसे रिलेटेड फाइल्स पढ़ो हर दिन, GDD GDC की मेल पे जो भी इंपॉर्टेंट लेटर्स वगैरह आ रहे हैं उनको डिटेल में पढ़ो, बस इसी से नॉलेज डेवलप हो जाएगी। हाउ टू डेवलप ट्रस्टवर्दीनेस, ये हो गया। फिर ट्रांसपेरेंसी, इसकी डेफिनेशन, बेनिफिट और कैसे डेवलप किया जाए इसे। तो ट्रांसपेरेंसी क्या है, इट इज़ अ वर्च्यू ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विथ ऑल दोज हु आर एंटाइटल्ड फॉर दैट इन्फॉर्मेशन विथआउट क्रिएटिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। ट्रांसपेरेंसी वो वर्च्यू है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उन लोगों के साथ जो कि एंटाइटल्ड हैं उस इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन को क्रिएट किए कि उनको वो इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे, ठीक है। तो बेनिफिट क्या है पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में इसका। पर्सनल लाइफ में बीइंग ट्रांसपेरेंट विद फैमिली, तो आपके स्टेबल और हैप्पी रिलेशंस होंगे, एग्जांपल श्रेया इज ट्रांसपेरेंट। प्रोफेशनल लाइफ में ट्रांसपेरेंसी का एडवांटेज, इंडिया एक डेमोक्रेसी है तो इन्फॉर्मेशन टू बी गिवन टू पीपल टू क्रिएट अवेयरनेस टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। हाउ टू डेवलप ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम एंड इन इंडिविजुअल। सिस्टम में डेवलप करना है तो उसके लिए तीन चीज़ें, CER सिटीजन चार्टर लगाओ कि लोगों को पता हो कि इस ऑफिस से उन्हें कौन सी सर्विस कितने टाइम में मिलेगी और अगर उनको प्रॉब्लम है तो किससे कांटेक्ट करें वो। ई गवर्नेंस लाओ जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, कि सबको दिखे फाइल कहाँ तक पहुँची। RTI लगाओ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है। अगली चीज़ इन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में अगर ट्रांसपेरेंसी लानी है तो सोशलाइजेशन उसका ऐसा करो कि नहीं ट्रांसपेरेंट होना अच्छी बात है, ऐसा फैमिली वाले, घर वाले, ऑफिस वाले, स्कूल वाले सिखाएं। दूसरा एक्सपोजर ड्यूरिंग ट्रेनिंग थ्रू इंटरेक्शन विथ योर रोल मॉडल्स की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, डेफिनीशन, कंपेरिजन, बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे इसको डेवलप किया जाए। तो डेफिनीशन क्या है, वर्च्यू ऑफ टेकिंग ओनरशिप ऑफ ड्यूटीज़, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, और वर्च्यू ऑफ एक्सेप्टिंग आंसरेबिलिटी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन और गिवन, ठीक है, वो अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। तो आपको कुछ काम दिया है, अब आप ओनरशिप लो कि नहीं इसको मैं करूँगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। लेकिन जब आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है इसके लिए आंसर जवाबदेही मेरी होगी, तो वो अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। तो सबॉर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको ये काम करना है, लेकिन आंसरेबिलिटी बॉस की होती है कि जब उनसे पूछा जाएगा तो बॉस आगे खड़े होकर बोलेंगे। देन कंपैरिजन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में, ड्यूटी ऑफ डूइंग समथिंग कि किसी काम को करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि हाँ भाई जो काम हुआ है उससे रिलेटेड जवाब दें आप कि ये काम क्यों नहीं हुआ है, तो ये अकाउंटेबिलिटी हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जा सकती है कि ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आप दोनों लोग मिलकर इस काम को कर लो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं शेयर की जाती, आंसरेबिलिटी एक ही बंदे की होती है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक्शन से रिलेटेड होती है कि मेरे को ये काम दिया है मैं इसकी जवाब दूंगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी दूसरों के काम से होती है और ख़ुद के भी, कि ठीक है डायरेक्टर के ऑफिस में ये काम आया, उसने 3 OS को दिया है, तो उनके काम की अकाउंटेबिलिटी भी आपकी बनती है कि उन लोगों ने क्यों नहीं किया, इसका आंसर आप दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी में कम अथॉरिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी में ज़्यादा अथॉरिटी होती है कि रिस्पॉन्सिबल बंदा है तो वो अपने ही काम को के लिए जवाब दही है ना उसकी, लेकिन आप जब दूसरों के काम के लिए आपको जवाब देना है तो आपकी पावर भी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि उनको पनिश कर सके और ये वो। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ रिलेटेड टू ऑनगोइंग या फिर पास्ट इवेंट, और जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इवेंट के लिए होती है कि जो पास्ट में हो गया उसके आंसर्स देना। इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी अकाउंटेबल विथआउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, बट व्हाट कैन बी रिस्पॉन्सिबल विथआउट बीइंग अकाउंटेबल, ठीक है, कि बिना रिस्पॉन्सिबल हुए आप अकाउंटेबल हो ही नहीं सकते, लेकिन बिना अकाउंटेबल हुए आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो। तो अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हायर वर्च्यू है इन कंपैरिजन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब बेनिफिट्स क्या हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के, तो पर्सन के लेवल पर और ऑफिस में या फिर सोसाइटी में, पर्सन के लेवल पे 5 चीज़ें हैं। सेल्फ़ एस्टीम बढ़ेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आप ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे अपने आप से, रिस्पेक्ट मिलेगी, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी सिस्टम को, कि ऑफिस में डेलीगेशन ऑफ पावर आसान हो जाएगा, वर्क कल्चर ऑफिस का इम्प्रूव हो जाएगा। अब कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी डेवलप की जाए, तो सोशलाइजेशन इन ऑफिस एंड इंडिविजुअल। एक तो सोशलाइजेशन बचपन से ही सिखाया जाए कि रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होना चाहिए, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी बच्चों के लिए। ऑफिसेज में क्लियर सेट ऑफ ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़, इंस्ट्रक्शन अबाउट टास्क टू बी डन, इंसेंटिव फॉर गुड वर्क और ट्रेनिंग मॉड्यूल, ये होना चाहिए। तो है ही, हम क्या करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक ऑर्डर निकालते हैं जिसमें हम हर एक इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लिख देते हैं, ठीक है। फिर इंसेंटिव वही होता है कि साल भर के एंड में एक ऑफिस से ऑर्डर निकलता है कि इनको 2,500, इनको 5,000 रुपये मिलेंगे। तीसरी चीज़ इन इंडिविजुअल्स ऑल पॉइंट्स लाइक पर्सुएशन डेवलपमेंट, जैसे पर्सुएशन को डेवलप करना है एबिलिटी को, तो वो वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे रख सकते हो सारे। अब आ सकते हैं ग्रुप 7 की वैल्यूज़ पे, विच इज़ कैड, दैट इज़ करेज ऑफ कन्विक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनोनिमिटी प्लस डिसिप्लिन। तो करेज ऑफ कन्विक्शन क्या है, एनोनिमिटी क्या है, डिसिप्लिन क्या है, तो करेज ऑफ कन्विक्शन की डेफिनेशन, बेनिफिट, डिसएडवांटेज और इसको कैसे डेवलप किया जाए। तो करेज ऑफ कन्विक्शन मतलब करेज बेस्ड ऑन कन्विक्शन दैट माई पर्पज़ इज़ परफेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल निर्भयास मॉम, मतलब कन्विक्शन से जो करेज आती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको ये 100% बिलीव हो जाए ना कि मेरी आइडियोलॉजी जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, जो मेरा विश्वास है वो बिल्कुल सही है, जिस पर्पज़ के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, तो उससे एक साहस डेवलप होता है उस चीज़ से। एग्जाम्पल निर्भया की मॉम थी, उन्हें पता था कि मेरी बेटी के साथ गलत है और उससे उनको इतनी ज़्यादा पावर मिली कि वो सालों तक केसेस लड़ती रही कि नहीं मैं सही हूँ, मैं जो कर रही हूँ सही हूँ। उसी तरह से ऑफिस में आपको ये पता है कि GDD GDC पे लिखे हुए मेल्स पढ़ने ही चाहिए, वो 100% सही है। आपको ये पता है कि मैनुअल्स वगैरह पढ़नी ही चाहिए, आपको ये पता है कि फाइल्स, नोटशीट, ये चीज़ें पढ़नी ही चाहिए। आपको ये पता है कि जब अनलेस एंड अनटिल आप, जब तक आप फैक्ट नहीं देखोगे, रूल पोजीशन नहीं देखोगे, तब तक आप कोई डिसीजन नहीं लेगोगे, तो आपको ये पता है कि आप 100% सही हो। तो उससे जब आप ये पता है कि मैं सही हूँ, तो उससे करेज डेवलप होगा। बेनिफिट ऑफ करेज ऑफ कन्विक्शन, हाईएस्ट लेवल ऑफ वैल्यूज ऑफ PIT PCD। इसका एडवांटेज ये है कि प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, परसिवरेंस, कमिटमेंट, डेडिकेशन, ये सब आ जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर फुल करेज ऑफ कन्विक्शन किसी गलत चीज़ में हो गया तो उसके कारण फिर तालिबान, टेररिज्म, नक्सलिज्म क्रिएट हो जाएगा। सारा खेल किसका है कि आप किसी आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हो। अब अगर वो आइडियोलॉजी अपने आप में डिस्ट्रक्टिव नेचर की और आपने उस पर 100% विश्वास रख लिया कि मैं दूसरों को मारूंगा तो मैं जन्नत में जाऊंगा, तो फिर उसके कारण तो तालिबान, टेररिज्म, नक्सलिज्म जैसी चीज़ें हो जाएंगी ना। टू डेवलप करेज ऑफ कन्विक्शन, वही बचपन से सोशलाइजेशन हो आपको सिखाया जाए, नॉवल, मूवीज़, मोटिवेशनल बुक्स में ये चीज़ बताया जाए, सेमिनार ऑफ पीपल जिनके अंदर करेज ऑफ कन्विक्शन थी, फॉर एग्जांपल APJ अब्दुल कलाम से आपका इंटरेक्शन हो। एनोनिमिटी, इसकी डेफिनेशन, रीज़न और प्रेजेंट स्टेटस। एनोनिमिटी की डेफिनेशन, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ नॉट विलिंग टू बी नोन और पॉपुलराइज्ड फॉर माय एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, नो डिज़ायर टू बी फेमस। एनोनिमिटी मतलब मेरे अंदर फेमस होने का कोई वो नहीं है डिज़ायर कि मुझे बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच मेरी बात होनी चाहिए। मुझे पॉपुलराइज होने का कोई शौक नहीं है, मैं जो भी अपना ड्यूटी कर रहा हूँ ऑफिस में बैठ के, तो ये भी वैल्यू होनी चाहिए सिविल सर्वेंट में। रीज़न, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, उन्हें 5 साल बाद जवाब देना होता है इलेक्टोरेट को, ठीक है, तो ना कि ब्यूरोक्रेट्स को। ब्यूरोक्रेट्स को तो जस्ट ऑर्डर मानना होता है, तो ना वो अच्छे काम के लिए अप्रिसिएशन लें ना वो बुरे काम के लिए। दूसरा, नॉन पार्टीजनशिप, मतलब आप किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हो, ये भी एक, इसका भी मतलब है कि आप एनोनिमस हो। प्रेजेंट स्टेटस में प्रॉब्लम क्या शुरू हो गई है कि सिविल सर्वेंट्स जिनके पास सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो अब फेमस होना चाह रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या, जो कि गलत है, अगेंस्ट एनोनिमिटी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि अमेंड किया जाए सिविल सर्विस के कंडक्ट रूल्स को, प्लस ऑफिशियल प्रोफाइल शुड बी डेजिग्नेशन बेस्ड नॉट नेम बेस्ड। अगर है भी कोई अकाउंट सोशल मीडिया पे तो डेजिग्नेशन बेस्ड होना चाहिए, ना कि नाम के बेसिस पे। तीसरी वैल्यू है डिसिप्लिन, इसके डेफिनेशन, टाइप्स, बेनिफिट्स और मेथड्स टू डेवलप डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन क्या है? इट इज़ अ वर्च्यू ऑफ फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन रिगरसली, कि आप रूल्स और रेगुलेशन को रेगुलरसली फॉलो करते हो। तो ये जो वर्च्यू है, ये जो वैल्यू आपका हिस्सा बन गई है आपके बींग का, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। टाइप्स क्या हैं? पर्सनल डिसिप्लिन, प्रोफेशनल डिसिप्लिन, सेल्फ एंड इम्पोज्ड डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, इम्पोज्ड डिसिप्लिन, कि आपने खुद अपने लिए कुछ डिसिप्लिन तैयार किया है, और दूसरा क्या है, कोई इम्पोज़ कर रहा है आपके ऊपर डिसिप्लिन को। अब डिसिप्लिन का एडवांटेज इंडिविजुअल को क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है? तो इंडिविजुअल के लिए ये है चार चीज़ें, TPMS, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, मेंटेन करते हो आप मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है डिसिप्लिन का, वर्क कल्चर इंप्रूव हो जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एट इंडिविजुअल लेवल आप टाइम मैनेज करते हो अच्छे से, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप मेंटल और फिजिकल हेल्थ मेंटेन कर सकते हो, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है जब आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हो। तो अब डिसिप्लिन को लाइफ में डेवलप कैसे किया जाए, तो एक टाइम टेबल बनाओ जिसमें कि स्मॉल अचीवेबल गोल्स को रखो। फॉर एग्जांपल, हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं एथिक्स के वीडियो देखूँगा, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो देखूँगा, ऐसे छोटे छोटे गोल, सिर्फ 2 पन्ने पढ़ूँगा नए मैनुअल के, सिर्फ ईमेल पे जाके सिर्फ 5 नए लेटर पढ़ूँगा, इस टाइप से, ठीक है। अब क्या है, एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल अगर आपको डिसिप्लिन बनाना है तो मोटिवेशन एंड गाइडेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर मोटिवेशन और गाइडेंस के लिए 3 चीज़ें SAT, अपना सेल्फ एग्जांपल दें, अवार्ड और अप्रिशिएशन दें, ट्रेनिंग करवाई जाए, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई जाए। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए 2 चीज़ें, कोड ऑफ कंडक्ट, एक्शन अगेंस्ट इनडिसिप्लिन्ड पीपल। कोड ऑफ कंडक्ट से बता दो कि कैसा रहना है डिसिप्लिन में, और फिर भी उसको अगर कोई ब्रेक करे तो फिर इनडिसिप्लिन्ड पीपल के अगेंस्ट एक्शन ले लो।